हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो पब्लिक डिमांड पर बनने वाला है। हमारे एक सब्सक्राइबर है, दीपांशु सिंह नाम है उनका। तो उन्होंने कमेंट में बताया था कि आपके मॉडिफिकेशन के बारे में बताओ, आपके बाइक के मॉडिफिकेशन के बारे में। उन्होंने लीवर और क्लच प्लेट उसका उन सब मॉडिफिकेशन के बारे में पूछा था। तो आज हम बताने वाले हमारे ड्यूक 390 में क्या क्या मॉड्स हो रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अभी शुरू कहाँ से करें वही पता नहीं चल रहा है, बट सामने से शुरू करते हैं। तो हमारी ड्यूक जो है वो 2018 का मॉडल है। तो 2018 का मॉडल ऐसा कलर थीम नहीं आती थी उसमें, वो आता था जो दोनों व्हील्स एलॉयज वो ऑरेंज आते थे, वो पैनल ऑरेंज आते थे और उस पर वाइट शेड रहती थी। तो वो ऐसा इतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं लग रहा था। और वो क्या होता था ना, अगर पब्लिक में आप कहीं राइड कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, या अगर ट्रैफिक ऑफिसर से, तो वो बाइक बहुत जल्दी हाईलाइट हो जाती थी। तो पहला मॉड तो यही है कि फ्रंट व्हील हमने ब्लैक करवाया है और वो जो हमारी डिस्क की प्लेट है उसे हमने ऑरेंज शेड दे दिया था उस वक्त। और बात रैप की बात तो हम बाद में करेंगे। तो इधर देखा जाए तो VR लिखा हुआ है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लगता है, नियॉन कलर उसमें। और इधर 46 लिखा हुआ था हमने उस वक्त, और ये व्हील ब्लैक करवाया था। फिर बात करें हमारे बाइक के लीवर्स के बारे में, लीवर और ये लीवर गार्ड लगवाया था हमने उस वक्त, क्योंकि ये क्या है ना, जब बाइक गिरती है ना तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करता है, इससे लीवर बच जाते हैं आपके, क्योंकि आप लगा रहे हो 1000-2000 के लीवर इतने महंगे। और क्या होता है, बाइक अगर हल्के से भी अगर कभी पार्किंग में लगाई हुई है और गिर गई तो वो लीवर टूट जाते हैं, इसलिए हमने ये लीवर गार्ड लगाया था उस वक्त। ये करीब करीब कुछ 1100 का पड़ा था उस वक्त, एक शॉप से लिया था मैंने इधर से ही। तो ये 1100 का पड़ा था लीवर गार्ड हमें। और ये जो लीवर है वो एडजस्टेबल लीवर है, इसका जो नॉब है ना वो बहुत इजीली ऑपरेट करना इजी है इसे। 390 के स्टॉक जो लीवर है वो भी एडजस्टेबल ही आते हैं, बट इसे ऑपरेट करना उससे कहीं ज़्यादा ईजी है, क्योंकि यहाँ अगर आप ऐसे घुमा दोगे तो ये जो है ना इसका एक्सटेंड हो जाता है, जिससे कि व्हीली मारने में वगैरह इसका अलग अलग सेटिंग रहता है ऐसा, इसलिए ये हमने इंस्टॉल करवाया होता। स्टॉक जो लीवर आते हैं उसमें एक राउंड बटन आता है, उसका कुछ समझ ही नहीं आता यार, सेटिंग बढ़ रही है कम हो रही है, ये बात है। तो ये ऐसे लीवर गार्ड और लीवर हमने इंस्टॉल करवाए हुए थे। और फिर बात करें, ये मोबाइल होल्डर है, बाकी मोबाइल होल्डर है जो प्लास्टिक्स के आते हैं उनकी ग्रिपिंग इतनी स्ट्रांग नहीं रहती, वो कभी भी ऐसा मोबाइल निकल कर गिर जाता है। तो ये क्या है ना, हाँ, इसे निकालने में और टाइट करने में बहुत वक्त लगता है, बहुत यानी यही एक 30 सेकंड में हो जाता है मोबाइल इंस्टॉल इसमें, बट ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम मटेरियल लगा था मुझे उस वक्त, इसलिए मैंने वो इंस्टॉल कर दिया था हमारे ड्यूक में। क्योंकि क्या होता है ना, कभी सिटी में अननोन सिटी में राइड कर रहे हो तो मोबाइल उधर माउंट करना बहुत ज़रूरी रहता है, जिससे कि हम गूगल मैप्स लगा के लोकेशन पर जा सकते, इसलिए हमने ये माउंट लगाया था। और बात करें हमारे ड्यूक के की की, तो ये भी हमने मॉडिफाई करवाई हुई है। ये तो अमेज़ॉन से आई थी उस वक्त 400 रुपये में, और इसे ये डिज़ाइन पैटर्न बनाने के लिए उस बंदे ने मुझसे 600 रुपये ले लिए, तो ये की 1000 रुपये की पड़ गई थी मेरे को उस वक्त। ये अभी मेरे ख्याल से नहीं है अमेज़ॉन पर अवेलेबल, फिर भी अगर अवेलेबल होगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ऐसी की बनाई हुई थी, ये फ्लिप की है, बंद तो हाथ से ही करनी पड़ती है इस तरीके से। अभी तो इसकी हालत टाइट है, हाँ अभी ठीक है, ऐसी ये फ्लिप की बनाई हुई थी उस वक्त। और ये टैंक पैड्स जो है ना, ये क्या होता है ना, हम जब बाइक पर ऐसे बैठते हैं तो क्या होता है, बैक की वजह से या कुछ चीज़ रख देते हैं तो वो टैंक पर स्क्रैच आ जाते हैं। पैनल पर स्क्रैच आए तो कोई बात नहीं, पैनल चेंज कर सकते, बट टैंक पर स्क्रैच आए तो वो पूरा कलर ही ख़राब हो जाता है, इसलिए हमने ये टैंक पैड लगाए हुए थे जो कि करीब करीब मेरे ख्याल से 200 रुपीज़ समथिंग के आए थे उस वक्त। ये ऐसे बेसिक मॉड्स, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन हमने कराया नहीं था उस वक्त। हाँ, एक मॉडिफिकेशन कराया हुआ था जो कि बहुत महंगा पड़ गया था मेरे को। मैंने क्या किया था, फुल सिस्टम एक्रापाव का एग्जॉस्ट डाला था इसमें, जिस वजह से क्या हुआ, जो ऑयल प्रेशर का सेंसर होता है वो सेंसर हो गया मेरा ख़राब। मैंने ये कैटालिटिक कन्वर्टर भी निकाल दिया था उस वक्त और फुल सिस्टम एक्रापाव का एग्जॉस्ट डाला था। साउंड तो बहुत गजब कर रही थी बाइक, पब्लिक रिएक्शन भी बहुत डेंजर मिल रहे थे, बट उस वक्त का कोई वीडियो है नहीं क्योंकि गोप्रो वगैरह नहीं था हमारे पास, तो वो डलाया हुआ था हमने। उससे क्या हुआ, ऑयल सेंसर ख़राब हुआ पहली बात, और फिर से वो जो बैकफायर मार रहा था ना, उससे क्या हुआ कि ऑयल प्रेशर लो हो गया और इंजन पूरा सीज हो गया था मेरा। उस वक्त कुछ 50,000 का खर्चा बैठ गया था, ऐसी गलत चीज़ हो गई थी ना उस वक्त यार, इतना रिग्रेट हुआ ना मेरे को। वो एग्जॉस्ट मैंने कुछ 20,000 का डलाया था, वो फुल सिस्टम था,
ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल ही कह सकते उसे हम, फुल सिस्टम ओरिजिनल ही था वो, 20,000 का पड़ा था मेरे को वो, तो 20,000 वो और 50,000 एक्स्ट्रा, तो 70,000 तो चले ही गए थे एक एग्जॉस्ट के चक्कर में मेरे, तो तब से मैंने स्टॉक एग्जॉस्ट ही यूज़ करता हूँ। और क्या होता है ना, जो सिंगल सिलेंडर बाइक है उसमें अगर आप एग्जॉस्ट डालोगे तो उतनी अच्छी साउंड वो करती नहीं है, उतनी बेसी साउंड नहीं करेगी जो ड्यूअल सिलेंडर बाइक और इनलाइन 3 इनलाइन 4 साउंड करेगी, उतनी अच्छी साउंड नहीं करेगी। तो वो कहीं ना कहीं मेरे को वर्थ इट नहीं लगता कि सिंगल सिलेंडर बाइक में एग्जॉस्ट डाल रहे हो। एक तो सेंसिटिव इंजन होता है वो सिंगल सिलेंडर बाइक का, और उसमें अगर आप एग्जॉस्ट डाल रहे हो तो वो उतना अच्छे से काम नहीं करता है, इसलिए ऐसे स्टॉक ही रहने देनी चाहिए बाइक। हाँ, वैसे देखा जाए तो साउंड बढ़ाना है ना, तो 390 में एक चांस ऐसा है, इसमें एक कैटालिटिक कन्वर्टर आ रहा है, तो इसे आप है ना गैस कटर से कट कर सकते हो, जिससे कि क्या रहेगा, कंपनी का स्टॉक एग्जॉस्ट तो रहेगा ही, बस डीबी किलर हटा देना है आपको, जिससे कि बहुत गजब साउंड करता है वो भी। मेरे पास अभी फ़िलहाल तो नहीं है एग्जॉस्ट, मेरे पास दो एग्जॉस्ट थे उस वक्त, पर तब से मैंने डाला ही नहीं बाइक में, क्योंकि इतना बड़ा इशू हो गया तो एग्जॉस्ट नहीं डाला। और वैसे देखा जाए तो और बहुत छोटे छोटे मॉड्स किए हमने, ये टेल डैडी स्टॉक जो ड्यूक आती थी उसको मेरे ख्याल से यहाँ तक लंबी टेल टैडी आती थी उस वक्त, तो मैंने क्या किया वो टेल टैडी हटा दी। फिर क्या किया, उतना टायर ब्रॉड लग ही नहीं रहा था, उसकी वजह थी टायर हगर, तो टायर हगर भी हटा दिया और सिर्फ ये टेल टैडी रखी। ये फोल्डेबल है वैसे, बट अभी टाइट करावाई हुई है तो वो फोल्ड नहीं होती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इलीगल हो जाता है, और किसी ट्रैफिक ऑफिसर ने पकड़ लिया और वो फोल्डेबल निकली तो चलान पड़ सकता है हमको, इसलिए। और ये क्या होता है ना, बहुत एक सुपर बाइक वाला लुक देती है पीछे से जब आप टायर अगर हटा देते हो। बट ये बात और है कि इसका उसका एक डिसएडवांटेज है, अगर आप रेन में किधर बाइक लेकर जा रहे हो ना तो पूरी बाइक यहाँ तक भीग जाएगी, और ये पानी है ना यहाँ से ऐसे उड़ने लगता है, पूरा सर के ऊपर से सामने चला जाता है, पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता है। तो अभी समर चल रहा है तो ऐसे ही रखा है हमने, जब रेनी सीजन आएगा तो वो टायर अगर तो डालना ही पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और बाइक की सेफ्टी के लिए ना, अभी बात करते हैं रैप के बारे में, तो ये कोई ऐसा खास रैप मंगाया हुआ नहीं है, नॉर्मल रैप है बस, ब्लैक कलर में हमने किया था, बट मटेरियल बहुत अच्छा है उस रैप का। वो फ्रंट वो लगा किधर है, ये सामने वाले मडगार्ड में और ये पैनल में, बाकी पीछे का कलर है ना वो चेंज नहीं करवाया हुआ था, क्योंकि हमने एक्स फ्रेम बनाई थी ऐसे, ये ऐसे ऑरेंज और ये फ्रंट फ्रेम वो ब्लैक, इस तरह से मॉडिफिकेशंस करवाए हुए थे। अभी एक सेफ्टी के पर्पज़ से देखा जाए ना बाइक में क्या करना नहीं चाहिए, तो देखो ये जो है ना ये होल्डर से, ये होल्डर फ्रेम स्लाइडर्स या फिर बम्पर्स कह सकते हैं, और स्टॉक एग्जॉस्ट, ये ऐसी चीज़ें हैं ना, और ये बार एंड वेट्स, ये कभी नहीं निकालने बाइक से, क्योंकि जब बाइक क्रैश होगी ना तो ये जो है ये होल्डर, ये देखिए इधर एक बार क्रैश हो गया तो फिर कलर दिया था हमने, तो ये होल्डर है ना ये बाइक की ये फ्रेम बचा लेता है पूरी ये फ्रेम, ये बस होल्डर बचा लेगा। और ये जो स्टॉक एग्जॉस्ट है ना उसके बारे में भी बात ये कि ना ये इतना मजबूत है ना कि जब बाइक क्रैश होगी ना तो पूरा वेट इस पर आ जाता है, ये बहुत स्ट्रांग एग्जॉस्ट है। और आप जो देखोगे ना कस्टम एग्जॉस्ट होते हैं वो बहुत थर्ड क्लास क्वालिटी के होते हैं, जिससे कि बाइक अगर क्रैश कर जाती है तो वो इधर से डिसलोकेट होकर पूरा टायर में चिपक जाते हैं, उनको उतनी क्वालिटी नहीं होती है। तो स्टॉक एग्जॉस्ट ना निकालने की एक ये भी वजह है। और फिर हमने क्या किया, एक बार क्या हो गया था बाइक गिर गई थी, तो ये जो कंपनी के स्टॉक बम्पर्स आ रहे हैं ना ये पूरा इधर से निकल कर इधर चिपक गया था इंजन में, जिससे कि क्या डैमेज हुआ तो नहीं था बट जस्ट नॉर्मल गिरी थी तो वो हाल हो गया था। इसलिए मैंने क्या किया, एक स्टॉक बम्पर तो रखा ही बट फिर फ्रेम स्लाइडर लगा लिया। ये फ्रेम स्लाइडर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसका हिसाब ही अलग है, इसलिए ये फ्रेम स्लाइडर इंस्टॉल किया था। और एक प्यारी सी मॉडिफिकेशन है जो कि हाईवे राइड पर मुझे बहुत ज़्यादा काम आती है, वो है ये फ्लैशर्स। ये कि फ्लैशर्स से क्या होता है ना, नाइट में आप अगर राइड कर रहे हो तो यहाँ क्या होता है, व्हीकल्स बहुत ज़्यादा फास्ट चलाते हैं लोग, और रोड बहुत ज़्यादा अच्छे बन चुके हैं, तो लोग क्या होते हैं ना उनके अगर नशे में यानी उनके ख्यालों में खोए होते हैं लोग, बाइक कार चला रहे बाइक चला रहे तो उनका इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहता। तो ये क्या होता है ना, फ्लैशर जब फ्लिक करते हैं ना तो लोगों का अटेंशन ग्रैब करते हो, जिससे कि हम भी सेफ रहते और वो भी सेफ रहते, इसलिए हमने ये फ्लैशर्स इंस्टॉल करवाए हुए थे। और बात करें ब्लेसिंग्स की, तो ये उन लोगों के लिए लिखा था जो हमें प्यार करते, उनके लिए ये मैं ब्लेसिंग्स लिखा था बाइक पर, क्योंकि नहीं क्या बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे लाइफ में कि जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते, हर वक्त ब्लेस करते रहते हैं मुझे, इसलिए मैं
उनके लिए ये लिखा था इधर ब्लेसिंग्स। और अभी देखा जाए तो ऐसा कुछ ज़्यादा खास मॉडिफिकेशन नहीं था, बट वो एग्जॉस्ट का मॉडिफिकेशन जो था ना वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव था मेरे बाइक में, बट उसने 50,000 का नुकसान करवा दिया था मेरा, इसलिए मैंने वो तो निकाल लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और 1K का जो गोल है वो कंप्लीट कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ये हमारा अपना ही चैनल है यार, ऐसा नहीं कि ये हमारी 390 है, हमारे मशीन मास्टर फैमिली की मशीन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।